सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में यूएस सोयाबीन अच्छे खासे लेवल्स पर है। कल को हमने 1493 पर ट्रेड करते देखा था, आज देख रहे हैं 1480 से ऊपर ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रूपा जी, विदेशों में तो सोयाबीन तेज़ी की ओर है और भारत की बात करें तो मंडियों में आवक के नाम मात्र के बराबर ही रह गई है, किसानों ने अपनी सोयाबीन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद सोयाबीन में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, अभी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में उतना डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है, इस वजह से तेजी नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, इस वजह से भी कीमतों को अंदर अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन लेवल्स के ऊपर खरीदार नहीं है, क्योंकि देखिए जिनके पास माल रखा है उन्होंने स्टॉक रखा हुआ है कि अभी प्राइसेस और ऊपर जाएंगे और वहां पर माल को लिक्विडेट करेंगे। लेकिन विदेशी बाजारों में जो तेजी आ रही है उसका असर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, आगे चलकर तेजी बन सकती है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।